अथ छोटा शो अध्याय महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। व्यास उवाच। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नरधिपः दारुकं प्राह तरसा रथमानयमेद्भुतं सहस्रखर संयुक्तं पताकाध्वजभूषितं आयुधः संयुतं शुभ्रं सुचक्रं चारुकुबरम्। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महेश क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, हजार गधों से जुटे हुए ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के आयुधों से भरपूर सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सुतो पीरथ मानीय तमु वाच त्वरान्वित राजन रथो यमानी तो द्वारे तिष्ठति भूषित सर्वायुध समायुक्त परास्तरण संयुक्त। सारथी ने भी तक्षण रथ लाकर उसे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया। जो द्वार पर खड़ा है वह सभी आयुधों से समन्वित था, उत्तम आसरणों से युक्त है। आनीतं तं रथं ज्ञात्वा धनवेन्द्र महाबलः मानुषं देहमास्थाय संग्रामे गन्तुमुद्यतः विचार्य मनसा चेति देवे मां प्रेक्ष्य दुर्मुखं श्रृंगेणं महिषं नून विमुना सा भविष्यति नारीणां च प्रियं रूपं तथा चातुर्यमेत्यपि तस्माद्रूपं च चातुर्यं कृत्वा यास्यामि तां प्रति यथा मां वीक्ष्य समान प्रेमयुक्त भविष्यति ममापि च तदैव स्यासुखं नान्यस्वरूपतः। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्धभूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इस स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। इति संचिन्त्य मनसा दानवेन्द्रो महाबलः त्यक्त्वा तन्माहिषं रूपं बभूव पुरुषः शुभः सर्वायुधधरः श्रीमान् चारुभूषण भूषितः दिव्यां परधरः कान्तः पुष्पबाण इव परः रथोपावेष्टः केयो रसृग्विबाणधनुर्धरः सेनापरिवृतो देवीं जगाम मद्गर्वितः मनोज्ञं रूपमास्थाय मानिनीनां मनोहरम्। मन में ऐसा विचार करके महाबली व दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था, वह ऐश्वर्य संपन्न था, वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मनोन्मत दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। दैत्यानामधिपं तदा बहुभिः संवृतं वीर देवी शङ्खं वादयत्। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। सशङ्खनिनदं श्रुत्वा जनविस्मयकारकम् समीपमेत्य देव्यास्तु तं वचः सन्निव
लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, देवी संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानो जन के नरो वाथ तथा नारी सुखं वां क्षति सर्वथा सुखं संयोगजं नृणां न संयोगे भवेदिह संयोगो बहुधा भिन्न तन्ब्रवीमि शृणु श्वः हृदं सुप्रीति हेतुर्थान् प्रभावोत्थान नेकषः तत् प्रीति भवानादौ कथयामि यथा मति। हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है, मैं उन भेदों को बताता हूँ सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पितरोस्तु पुत्रेण संयोगस्तु तमस्मितः भ्रातुर्भ्राता तथा योग कारणान् मध्यमो मतः उत्तमस्य सुखस्यैव भ्रातृत्वादो तमस्मितः तस्मादल्प सुखस्यैव प्रदात्रे वच मध्यमः। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। अत्यल्प सुख दात्रित्वा अनिष्ठो यम स्मृतो बुधः। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंग वर्ष एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तमस्तु संयोग संसारे सुखदः सदा नारी पुरुषयोः कान्ते समान वयसोः सदा तयोगो यः समाख्यातः स एवात्युत्तमः स्मृतः अत्युत्तमः सुखस्यैव दातृत्वात्स तथाविधः चातुर्यरूपवेशाद्य कुलशीलगुणस्तथा परस्पर समुत्कर्ष परस्परम। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। एकांते समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य रूप वेश कुल शील गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। प्राप्ति चाते न संशय नाना विधानि रूपाणि करोमि स्वेच्छय प्रिय इन्द्रादय सुरः सर्व संग्रामे विजिता मया रत्नानि यानि दिव्यानि भवनेऽस्मिन् मम अधुना भुङ्क्ष्वा त्वां तानि सर्वाणि यथेष्टं देहि वायथा पटरागी भवाद्य त्वं दासोऽस्मि तव सुन्दरी। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। परम त्याजे हम देवस्तु तव वाक्यान् संशयः यथा त्वं सुखमाप्नोषि तथा हं करवाणि वै आज्ञापय विशालाक्षि तथा हं प्रकरोम्यथ चित्तं मे तव रूपेण मोहितं चारुभाषिणे।
तुम्हारे कहने में मैं देवताओं से बैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुभाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। प्रपन्नं पाहिरं भूरु कामोमाणः प्रपीडितं धर्मामुत्तमो धर्म शरणागतिरक्षणं त्वदीयोऽस्म्यसितापाङ्गि त्वेकोऽहं कृशोदरी मरणान्तं पचे सत्यं नान्यथा प्रकरोम्यहम् ते सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, काम बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तनमंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। दयां कुरु विशालाक्षि तप्तोऽस्मि काममार्गिणः जन्म प्रभृति चार्वङ्गी धन्यं नाचरितं मया ब्रह्मादीनेश्वरान् प्राप्य त्वयि तद्विदधाम्यहम् चरितं मम जानन्ति प्रणे ब्रह्मदयः सुरः सोऽप्यहं तव दासोऽस्मि मनमुखं पश्य भामिनी। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूँ, मेरी ओर देखो। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी वाच। नाहं पुरुषमेक्षामि परमं पुरुषं विना तस्य चेक्षास्म्यहं दैत्य त्रिजामि सकलं जगत् समां पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा तत्सानिध्य वशादेव चैतन्यं मयि शाश्वतम् जडाहं तस्य संयोगा प्रभवामि सचेतना अयस्कान्तस्य सानिध्य दयसश्चेतना यथा। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। हे विश्वात्मा, मुझे देख रहे हैं कि मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझे शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। न ग्राम्य सुख वांछामि कदाचिदपि जायते मूर्खस्त्वामासि मन्दात्मन् यत्रे संगं चिकीर्षसि नरस्य बन्धनार्थाय शृङ्खलास्त्री प्रकीर्तिता लोहबद्धो विमुच्येत श्रीबद्धो नैव मुच्यते किमिच्छासि च मन्दात्मन् मूत्रागारस्य सेवनम् क्षमं कुरु सुखाय त्वं क्षमात् सुखं वाप्स्यसि नारीसङ्गे महादुःखं जानन् किं त्वं विमुह्यसि। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त भी हो सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार वही अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो, शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? यथेष्टं विचरावनौ पतलं गच्छ वा कामं जीवितेच्छायदस्थिते
अथवा गुरु संग्राम बलवाच्यस्मि सांप्रतम् प्रेषिताहं सुरः सर्व सर्वनाशाय दानव। तुम देवताओं के साथ बैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सत्यम दर्शितं तेन तुष्टास्मि जीवन गच्छयथा सुखं सतां सत् फली मैत्री तेन मञ्चापि जीवितं मरणे चास्ति चेद्युद्धं कुरु वीर यथा सुखं अनिशमि महाबाहु त्वमहं नथ संशयः। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ, तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल सात पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा दानवः काममोहितः उवाच श्लाघ्यावाच मधुरं वचनं ततः विभेम्याहं वरारोह त्वप्रहर्तुं वरनने कुमूलां चारु सर्वाङ्गीं नरीन्नरविमोहिनी जित्वा हरि हरादिश सुखपालांश सर्वश किन्तु या स अयोधम युक्तं कमललोचनी। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव मधुरवाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ ज्योति के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोग बालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? नोचे कक्ष यथेष्टं ते देशं यस्मात् समगता नाहं त्वां पहरिष्यामि यतो मैत्री कृता त्वया इत्युक्तं शुभं वाक्यं तस्मात् गच्छ यथा सुखं काशोभामि भवेदन्ते अत्वा तां चारुलोचनां सिंहत्या बालहत्या च हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। गच्छाम्यद्य वरानने तथापि मे फलं न स्यात् बलात् भोगसुखं कुतः प्रभवीमि सुखे शिल्पं विनयावनतो यतः पुरुषस्य सुखं न स्यात् धृते कान्तमुखाम्बुजा तथैव हि नारीणा न स्यात् च पुरुषं विना। हे वराने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुखकमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। परिणकेन चेत्विह।
संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो, तुझमें चतुरता क्यों नहीं है जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है हे मधुरभाषिणी? किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। सुखं तव मामापि स्यात् विवाहे विहिते किल। विष्णुलक्ष्म्या सह भवति सावित्र्या च सहत्मभू। रुद्रो भाति च पार्वत्या चक्ष्या शतमुखश्रुता। कलारीपतिहीना च सुखं प्राप्नोति शाश्वतम्। येन त्वमासि तापाङ्गि न करोषि पतिं शुभम्। हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन सी स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है हे सुंदरी, जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो। मदन पंच भी काम न ताड़यति मदधी। मन्ये हमीव कामोपि दयावस्वायि सुंदरी। अबलिति च मन्वान न प्रेरयति मार्गणान। मनोभावस्य वैरं किमप्यस्ति मयसः। तेन च त्वयराक्षि नमन चति श्रीमुखान। अथवा मे हि तैर्देव वारितोषध्वज। सुखध्वंसे भेस्तेन त्वयि न प्रहरत्यपि। हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचवाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अवला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है। त्यक्त्वा मां मृगशावाचि पश्चात्तापं करिष्यसि। मन्दोदरीव तन्वङ्गि परित्यज्य शुभमिपन्। अनुकूलं पतिं पश्चात् स चकार षट्पतिं। कमर्त च यदा जात मोहिनव्याकुलान्तरा। हे मृक्षावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तन्वंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करने के बाद मैं वह मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। देवी भागवते महापुराणे अष्टादशाश्रयां संहितायां पंचम स्कंधे महिष द्वारा देवी प्रबोधनम नाम षोडशो अध्यायः।